Padma, student of Foundation Public School in Vedu. This year, 2021, Chinese nation is celebrating 100th anniversary of Communist Party of China. I congratulate all the Chinese nation, President of China and Council General of Karachi on the completing 100 years of the CPC. Long live Pakistan and China. मैं सैयद सरवर हसीन हूँ, मेरा ताल्लुक द फाइनेंशियल डेली से है और मैं मेंबर हूँ कराची एडिटर्स क्लब का। मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से चाइनीज़ अवाम को सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देता हूँ और बाकी दुनिया की तरह मैं खुद भी हैरान होता हूँ कि एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 1921 में बनती है और सिर्फ 27 साल की जद्दोजहद के बाद वो एक आज़ाद मुल्क चाइना के नाम से हासिल कर लेती है। और सबसे बड़ी बात कि उस पार्टी का गोल या उसका मकसद एक आज़ाद मुल्क हासिल करना ही नहीं था, बल्कि शुरू से ही उनका मकसद उस मुल्क को तरक्की की उस राह पर ले के जाना था जहां सारी दुनिया अशश करे। और आज 2021 हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि चाइना टेक्नोलॉजिकली इकोनॉमिकली एक सुपर पावर है और इन तमाम चीज़ों के अलावा वो मुख्तलिफ मंसूबों के तहत, जैसे पाकिस्तान में सीपेक है और ईरान है, श्रीलंका है और मुख्तलिफ मुल्कों में जो गरीब मुल्क हैं उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि उन मुल्कों के भी हालात और उनके इकनॉमी बेहतर हो सके। तो हम दुआ करते हैं कि चाइना ख़ुद भी तरक्की करे और अपने वसाइल को बरोएकार लाकर वो बाकी गरीब मुल्कों को भी तरक्की करने में मदद दे। और आखिर में मैं दोबारा से चाइनीज़ अवाम को, चाइना को सीपीसी की 100वीं सालगिरह पे मुबारकबाद देता हूँ।